हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जनसंख्या और नगरीकरण के बारे में, यानी कि सेंसस एंड अर्बनाइजेशन। अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे आरओआरओ 2021 का, उसके पहले के पेपर्स का, जब भी कभी प्रीमेंस हुआ है, सो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आरओआरओ में, यानी कि समाचारी सहायक समाचारी के एग्जाम में, परीक्षा में यूपीपीसीएस के कंपैरिजन में जनसंख्या और नगरीकरण, यानी कि सेंसस और अर्बनाइजेशन के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यानी कि एग्जामिनर का, यूपीएससी का एक स्पेशल इम्फेसिस रहता है, एक फोकस रहता है सेंसस एंड अर्बनाइजेशन पे। सो मेन चीज़ यह आती है कि अब इसको तैयार किया कैसे किया जाए। इसके दो सेगमेंट्स हैं। एक सेगमेंट ये है कि बुक लिस्ट या सोर्स क्या हो, कहाँ से हमको पढ़ना है। दूसरी चीज़ ये कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कितना डेप्थ में आते हैं। दोनों चीज़ों के बारे में बात करूँगा। देखिए, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं, तो आपको मिलेगा कि कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं वो तो फैक्चुअल हैं और बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछे गए हैं। लाइक वो सरफेस सुपरफिशियल क्वेश्चंस हैं, आपसे सिंपली दमन दीव का सेक्स रेशियो पूछ लेगा, कहीं पे आपसे पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ लेगा, कोई यूपी की चीज़ पूछ लेगा, बहुत ही बेसिक बेसिक आपसे पूछ लेगा कि बस पॉपुलेशन जो है स्टेट्स की वो उसमें बता दीजिए, या कहाँ पे एससी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ पे एसटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो आपको चार स्टेट दे देगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, आपको उसमें करके लगाना होगा। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जैसे आपने यूपीपीसीएस का पेपर अगर 2022 का देखा हो, तो आप देखेंगे कि उसमें उन्होंने एक जैन रिलीजन से रिलेटेड पूछ लिया था कि सबसे ज्यादा जो अर्बन डेंसिटी है वो किस धर्म के लोगों की है, तो वो उसमें जैन वाला आंसर था आपका। या इसी तरीके से आपको कुछ कुछ क्वेश्चन आपको और देखने को मिलेंगे जो आपको जनरली अभी तक के पीवाईक्यू में सेंसस अर्बनाइजेशन से रिलेटेड देखने को नहीं मिले। सो किया क्या जाए, देखिए अब क्या है कि आयोग लगातार इतने सालों से जो भी साल में दो तीन एग्जाम, चार एग्जाम बड़े होते हैं, उसमें वो सेंसस से रिलेटेड चीज़ें पूछता है। सो अब उनके पास भी क्वेश्चंस खत्म हो रहे हैं, उनके पास वो भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं। सो अब वो बाध्य है नए क्वेश्चन बनाने के लिए। सो करना क्या पड़ेगा, करना ये पड़ेगा आपको कि सेंसस और अर्बनाइजेशन के लिए सबसे पहले आप यूपीपीएससी ने 15-20 सालों में, स्पेशली मतलब जब 15-20 सालों का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझना है कि क्या पूछ रहा है, वो सेक्स रेशियो पूछ रहा है कि एसटी की पॉपुलेशन पूछ रहा है, या फिर वो कहीं पर फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है, या वो कहीं पर पॉपुलेशन डेंसिटी सिंपली पूछ रहा है, या केवल पॉपुलेशन पूछ रहा है स्टेट्स की। ये सब चीज़ें आपको पकड़ना आना चाहिए। कहाँ पे लिटरेसी पूछ रहा है, यूपी के अगर संदर्भ में बात हो रही है तो आप देखेंगे कि वो लिटरेसी ज़्यादा पूछता है, लेकिन अगर और किसी स्टेट के बारे में बात होती है तो वहाँ पे वो और चीज़ें पूछता है। सो इस तरीके से जब आपने छोटी छोटी चीज़ें पकड़ ली, तो आपको क्या करना है, आपको 15-20 सालों का जो भी क्वेश्चन जिस तरीके के आए हैं पैटर्न समझने के बाद, आपको 2011 की, क्योंकि सेंसस चल रही है अभी, 2021 वाली तो हुई नहीं है, सो 11 की सेंसस के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू में, लाइक 2014, 15, 16, 17 जब भी क्वेश्चंस आए, लाइक 2019-20 में जो भी क्वेश्चंस आए पीवाईक्यू के, वो आपको तैयार कर लेने हैं, एज इट इज़ तैयार कर लेने हैं। चार अगर क्वेश्चन आएंगे तो चार में से दो क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाएंगे, सो आपके दो क्वेश्चन तो वहाँ से बन गए। रही बात एक दो क्वेश्चन की, वो अगर बिल्कुल नया क्वेश्चन आता है तो आप उसको स्किप कर दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। एक दो क्वेश्चन अगर आप टफ वाले स्किप कर देंगे तो आप कॉम्पिटिशन में पीछे नहीं जाएंगे, बिकॉज वो सबके लिए टफ है। लेकिन अगर आपको ये हो कि नहीं, मुझे चार के चार सही करने हैं, सो उसके लिए परीक्षा वाणी की एक आती है पतली वाली, सेंसस एंड अर्बनाइजेशन की, उसमें आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। सो वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं, आपको उसमें नए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो आयोग अब पूछ सकता है, बिकॉज आयोग अब नए क्वेश्चन बनाएगा। सो रिपीटेड वाले जो है वो तो हर कोई सही कर लेगा, लेकिन जो नए क्वेश्चन है वो तभी सही होंगे जब आपने एक्स्ट्रा पढ़ रखा है, जो चीज़ें आयोग ने अभी तक नहीं पूछी हैं उसके अलावा भी कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं। एंड उसमें भी जो नया क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं वो ज़्यादा ये होते हैं कि वो किसी ना किसी साइंटिस्ट के बारे में कोई पूछ लेगा, कि किसी ने कोई पॉपुलेशन के ऊपर, सेंसस के ऊपर, अर्बनाइजेशन के ऊपर कोई कॉन्सेप्ट दिया हो, कोई थ्योरी दी हो, कोई ऐसा एक प्रिंसिपल निकाला हो जो उसके नाम से जाना जाता हो, या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे आपने सुना होगा कि माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत है, पॉपुलेशन थ्योरी उसकी है। इसी तरीके से यूपीपीसीएस 2023 में आपने देखा होगा चार साइंटिस्ट दिए हुए थे, चार आपके दिए हुए थे, उसमें उनके सबके अपने एक कॉन्सेप्ट थे, उसको मैच द फॉलोइंग में करना था। अब वो तीनों नाम, चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने सुना है कि चलिए माल्थस है, उसके अलावा जो तीन है वो आपको पता होना चाहिए। सो इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, इनके बारे में दो दो तीन तीन स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मोस्ट प्रोबेबल है कि आरओआरओ के पेपर में उन्हीं में से कोई ऑप्शन के ऊपर आपको पूछ लेगा, उसके बारे में कोई फैक्ट पूछ लेगा। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे 2022 में, 2021 में यूपीपीसीएस में, तो उसने पूछा था कि जनसंख्या में जो त्वरित अवस्था होती है, जो सबसे मोस्ट क्विक जो इस पे फेज़ होती है वो कौन सी होती है, तो उसमें आपका था कि दूसरी होती है, तीसरी होती है, चौथी होती है, पहली होती है, ये ऑप्शन था। सो इस तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चन नए आपको सेंसस अर्बनाइजेशन में आप देखने को मिल सकते हैं। सो उससे घबराना नहीं है, पहले टारगेट ये बनाइए कि जितने भी पीवाईक्यू हैं सेंसस अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, पहले मैं उसे तैयार करूंगा, उसके बाद में मैं नए सोर्स पर जंप करूंगी, जैसे परीक्षा वाली पतली वाली है, एंड उसको फिल्टर करके पढ़ना है। देखिए सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, अगर आप यूपी की लिटरेसी भी पढ़ेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी भी पढ़ेंगे, आप हर स्टेट का नंबर पढ़ेंगे कि वहाँ पे 66.7 था, यहाँ पे 71.1 था, तो आप भूल जाएंगे। आपको एक समझ विकसित करनी है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे यूपी में अगर बात करें तो यहाँ पे फीमेल के केसेस में 57% है, मेल के केसेस में अगर बात करें तो यहाँ पे 77% है, एवरेज निकालेंगे तो 67% लिटरेसी आएगी। इस तरह से आपको समझ विकसित करनी है, मोटा मोटा मालूम होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली मालूम होना चाहिए।
वहाँ पे ऑप्शंस में वो इतना क्लोज नहीं देगा, इतना क्लोज देगा तो फिर वो सबके लिए टफ हो जाएगा, फिर कोई नहीं कर पाएगा, सो उसमें आपका लॉस नहीं है। लेकिन अगर मोटा मोटा वो पूछता है लाइक चार ऑप्शन थोड़ा सा क्लोज क्लोज नहीं है, थोड़ा सा दूर दूर है, तो आपको आंसर निकालना आना चाहिए। ये सेंसस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फैक्चुअल डेटा है। ऑब्वियसली सेंसस ऑर्गेनाइजेशन एक फैक्चुअल टॉपिक है, फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए आपको बार बार लिख के या जो भी होता है ना नोट्स बना के आपको याद करना पड़ेगा। एग्जाम के एक दो दिन पहले, तीन दिन पहले थोड़ा सा टाइम इसके लिए ऑलरेडी रिजर्व रखिए, पहले से सोच के चलिए, स्ट्रेटजी बना के चलिए कि हाँ एक दो दिन पहले मैं सेंसस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी नोट्स मेरे पास हैं उससे मैं तैयार करूँगा, उससे मैं रिवाइज करूँगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर आपको कुछ सीखने को मिला करें अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो आप चाहें तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं कुछ ना कुछ काम की चीज़ें टेलीग्राम के मतलब की डालता रहता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर सकती है। लगातार पढ़ते रहिए, पढ़ना किसी भी चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम, डेली 3 से 4 घंटे अपने लिए निकालिए, बाकी चीज़ चलती रहेंगी लेकिन पढ़ाई को आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते इस टाइम पे जब आपके पास 6 से 7 महीने बचे हुए हैं। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।